गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि आज है, क्या कहते हैं, प्रदोष, तो मेरा व्रत है। तो अभी मैं दोपहर में फुर्सत हुई हूँ सारा काम करके जो है, तो मैंने भूंज ली है ये मूंगफली। तो चलिए हमारे साथ आप भी व्रत का एंजॉय करिए और ये फास्ट वाला खाना खाइए। और यहाँ पे मैंने बना लिया है साबूदाना की खीर, क्योंकि भूख लग रही थी। तो ये देखिए मैंने फैला के रख दिया है ठंडा होने के लिए। तो मैंने कहा चलो ठंडा हो जाता है तो खा लेते हैं इसको जो है। तो बस अभी मैं यही अपना बनाई हूँ, साबूदाना की खीर। थोड़ी सी साबूदाना रखी थी, मैंने कहा चलो बना लेते हैं। और यहाँ पे मूंगफली भूंज लिया है। सवेरे मैंने दो अमरूद काट के खा लिया था और चाय सुबह पी थी, तो अभी मैंने चाय वाय नहीं बनाया। मैंने कहा चलो यही खा लेते हैं, और भूख लग रही थी क्योंकि टाइम जो है 1 बज गए हैं। तो अभी मैं सारा काम करके फुर्सत हो गई हूँ, बर्तन सारे निकाल दिया है, क्योंकि बर्तन धोने वाली आती है तो वो अपना मांजेगी। और देखते हैं आज समय मिलेगा तो आज मैं जाऊँगी दर्शन करने शंकर जी का, और यदि संभव होगा तो मैं आप लोगों को भी वहाँ का दर्शन कराऊँगी आपको अपने यहाँ पर शंकर जी का। तो अभी देखते हैं, छोटा वाला बेटा अभी तो बोल रहा है चलने के लिए कि हाँ मम्मी चलेंगे, अभी देखिए उसका प्लान क्या बनता है। तो अभी हम कर लेते हैं इसको अपना फास्टिंग का खाना खा लेते हैं, क्योंकि अभी थोड़ी भूख लग रही है, क्योंकि कुछ खाया नहीं, चाय भर एक गिलास पी थी और दो ठो अमरूद खा ली थी। तो बस अभी मैं बनाई हूँ, तो इसको मैंने फैला के रख दिया है। ये मैंने कहा चलिए ये थोड़ा सा फैला दूँगी तो ठंडा हो जाएगा साबूदाना। तो चलिए ठीक है, खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं बाद में। लिए बाय बाय। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। और आज हमारे यहाँ इतना तेज़ धूप किया है, इतना तेज़ धूप कर लिया है कि लग ही नहीं रहा है कि 3-4 दिन हम लोगों के यहाँ मौसम इतना अच्छा था, और आज तो सुबह से ही बारिश हो गई है। मेरा बन गया है इधर, ये देखिए दाल बन गई है, और हमारी बन गई है दलिया, और चावल भी मैंने बना लिया है, और मैं बना रही हूँ आज आलू परवल की भुजिया सब्जी, और इधर मैं काट रही हूँ प्याज। तो भुजिया सब्जी में प्याज तो डलता ही है, तभी तो अच्छा लगा करता है आलू परवल की सब्जी, है ना। और इधर मेरी चढ़ी है चाय, तो हमने भी चाय ले ली है, तो आप लोग भी मेरे साथ एंजॉय कर लीजिए चाय का। और अभी मैंने खाया था थोड़ा सा चना फूला रखा था, तो मैंने कहा चलो प्याज व्याज डाल करके खा लेते हैं। एक प्लेट हमने खा लिया, और ये देखिए मेरी चाय अभी चढ़ी है, क्योंकि बच्चे अभी, आज संडे है ना, तो बच्चे सब सो रहे हैं। छोटा वाला उठा है तो अपने संगीत में लगा है, और बड़ा वाला अभी काफ़ी कल देर रात में ये लोग आए हैं तो थका है तो वो सो रहा था। मैंने कहा चलो आज रेडी करते हैं खाना, और आज संडे है तो संडे को तो सब काम थोड़ा सा लेट ही होता है कि नहीं। तो मैंने कहा चलो पहले हम चाय पी लेते हैं, फिर सब्जी काटते हैं, और आप लोगों से मॉर्निंग में बात कर लेते हैं, गुड मॉर्निंग बोल देते हैं आप लोगों को। तो चलिए आप भी आज संडे है इंजॉय करिए, और क्योंकि हमारे घर में हमारे हस्बैंड गवर्नमेंट टीचर हैं तो आज उनकी छुट्टी है, 2 दिन से छुट्टी है, सरकार 2 दिन की छुट्टी दिया था जो है, तो कल भी घर में थे और आज तो संडे है तो आज तो छुट्टी रहती ही है। तो बस वो भी अपना अपने काम में बिजी, अपनी गाड़ी वगैरह सब धो रहे थे, फिर मैं इधर अपना झाड़ू पोछा की, नहाई पूजा की, जैसा कि कल प्रदोष था तो मैंने कहा सुबह नहा करके ही पानी वानी पीते हैं ना, तो फिर मैंने पूजा वूजा किया, और उसके बाद बस जस्ट खाने में लग गई हूँ और चाय बनाई हूँ। मैंने कहा चलिए चाय पी लेती हूँ, आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग आप लोग को, सभी को, मेरे भाई बहन जो भी हैं सबको गुड मॉर्निंग। तो चलिए ठीक है, हम चाय पी लेते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। और खाना हमने बता दिया कि आज हमारा संडे को क्या खाना बन रहा है, सिंपल खाना ही बन रहा है, दाल चावल बन गई है, दलिया और आलू परवल की भुजिया सब्जी बनाने जा रही हूँ, और बनेगा करमुआ का साग थोड़ा सा, मेरे हस्बैंड अपने लिए बनवा रहे हैं तो अभी वो धो के रख दिए। मैंने कहा पहले इसको बना लेती हूँ फिर उसको बना देती हूँ। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं, नहीं मेरी चाय हो जाएगी ठंडी। तो फिर आप लोगों से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। बस यहाँ पर ये देखिए मैंने बनाया है ये करमुआ की सब्जी जो मेरे हस्बैंड को खाना था, और ये है आलू परवल की भुजिया सब्जी। तो बस यहाँ पर ये देखिए ये करमुआ मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, इसलिए कहा हमने कहा चलो थोड़ा सा बना देते हैं। तो बस मेरा खाना सब तैयार था, और मैं बना रही थी अभी रोटी, चना गेहूँ की रोटी है, और यहाँ पर ये बना लिया है मैंने चावल, क्योंकि चावल के बगैर हम लोगों का पेट नहीं भरता है। बाकी दरिया तो बनी है हमारे ससुर जी के लिए, और यहाँ पर ये दाल बन गई है,
और यहाँ पे ये देखिए मैंने गेहूँ की दलिया भी बना करके रख दी है। तो बस रोटी बना रही हूँ और सच में ना सब्ज़ी बहुत टेस्टी थी, तो चलिए आप लोग भी खाइए हमारे साथ मॉर्निंग का खाना। तो बस यहाँ पे खाना जो है गरम गरम तैयार था, तो मैं बस गरम चिकी चना बिर्रा गेहूँ की रोटी है ना, तो गरम ही गरम बनाते हैं जो है, क्योंकि गरम ही गरम अच्छी लगा करती, नहीं ठंडी हो जाती है तो ये रोटी कड़ी हो जाती है। तो बस मैं सारा खाना बना लेती हूँ और जब परसना होता है तभी मैं रोटी गरम गरम बनाती हूँ। एक तरफ आप लोग देख रहे होंगे चढ़ा होगा दूध, क्योंकि हमारे बड़े वाले बेटे को कॉफ़ी बहुत पसंद है, तो वो अपने लिए कॉफ़ी बनाने के लिए दूध को उबाल रहा था। तो बस यहाँ पर ये देखिए मैं रोटी सेक रही थी, और चना बिर्रा की गेहूँ की रोटी कभी कभी फूल जाती है, कभी कभी नहीं फूलती, पर कोई बात नहीं। और ये रोटी बहुत ही टेस्टी होती है और शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, तो हमारे यहाँ इसी की रोटी खाई जाती है। प्योर गेहूँ की रोटी हम लोग नहीं खाते हैं, उसमें चना ज़रूर मिक्स करते हैं, और खाना भी चाहिए अच्छी लगे चाहे ना लगे, क्योंकि आजकल के बच्चे हैं ना उन्हें तो ज़्यादा पसंद नहीं है, पर हमारे यहाँ बनती है, हम देते हैं बच्चों को, बच्चे भी खाते ही हैं। लेकिन जब कभी जैसे चने की दाल है या कढ़ी है जब बनाते हैं, तब बल्कि चना वाली रोटी नहीं बनाते, तब पेवर गेहूँ की रोटी बनाते। तो चलिए ठीक है, अब हम भी खाना खा लेते हैं, फिर दोपहर में मिलते हैं आपसे। गुड आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब टाइम हो रहा है 2, तो आप लोग भी खाना वाना खा चुके होंगे। तो बस जस्ट अभी मैं भी आज थोड़ा जल्दी खाना खा ली थी कल, क्योंकि मेरा फास्ट था, कल प्रदोष था, और मैं गई थी कल शंकर जी के दर्शन करने। तो आप लोग तक अब वो वीडियो मेरी पहुंच गई होगी, क्योंकि थोड़ी लेट हो गई, मुझे सुबह से टाइम नहीं मिला जिसकी वजह से मैं अपनी मतलब ये वीडियो अपलोड कर दूँ, पर मैंने हाँ अभी 1 घंटा पहले आपके पास अपलोड कर दिया है। अब तक तो आपके पास पहुँच भी गई होगी, तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए शंकर जी का। तो ये है चित्रकूट रामघाट, जो लोग यहाँ के होंगे वो तो जानते होंगे, पर जो बाहर के होंगे वो नहीं जानते हैं कि, तो आप लोग ज़रूर आइए। मान्यता है यहाँ पे जो कामतानाथ बाबा हैं, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं, तो आप लोग भी आइए। कहते हैं जो भी सच्चे दिल से कुछ भी मांगता है तो वो पूरी मुरादें पूरी करते हैं। तो कल मैं भी शंकर जी के मंदिर गई थी, अपने छोटे वाले बेटे के साथ गई थी जो है, तो मैंने भी कुछ मांगा है, लेकिन कहते हैं विश जो मांगी जाती है उसको बताई नहीं जाती, तो जब मेरी पूरी हो जाएगी तो फिर मैं जाऊंगी उनके दर्शन करूंगी। तो कल आपको मैंने दिखाया, मैं सीढ़ी मतलब चढ़ रही थी, हाँप रही थी, तो फिर मैं शंकर जी का नाम ले लेके ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय करके चढ़ गई। हमने कहा अगर उनमें शक्ति होगी तो मैं चढ़ जाऊँगी, क्योंकि मुझे सीढ़ी चढ़ने में हाँपने लगती हूँ मैं। तो फिर उसके बाद अच्छे से दर्शन हो गया, क्योंकि बिल्कुल मतलब भीड़ बिल्कुल नहीं थी, और कल तो धूप इतनी ज़्यादा थी, इतनी कि क्या बताएं। कल मैं वहाँ से आई फिर घर, रात में मेरा सर बहुत तेज़ दर्द कर रहा था, तो मुझे फिर नींद नहीं आ रही थी, 1-1.5 बजे जा कर के फिर सोई हूँ मैं, ना सर तेज़ दर्द कर रहा था। फिर मैंने कहा तेल नहीं लगाऊंगी, क्योंकि जुखाम अभी 2-3 दिन हुआ है तभी ठीक हुआ है, मैंने कहा तेल लगा लूँगी तो फिर मुझे जुकाम हो जाएगा। तो बस अभी मैं कपड़े चेंज कर लिए, और ये जो कुर्ती पहनी हूँ मैं अभी मैं ले करके आई थी, तो आप लोग ये सोचेंगे ये कुर्ती बहुत सस्ती है, 300 की है, डेली यूज़ के लिए है, मैंने कहा ठंडी आ रही है तो बस जो है मैंने कहा चलो आज पहन लेते हैं जो है। तो बस अभी मेरा सारा काम हो गया है, अभी बर्तन वर्तन मैं निकाल करके सब बाहर रख करके आई हूँ, तो बस अभी जा रही हूँ। टाइम हो रहा है 2, मैंने कहा चलो थोड़ा सा 1-1.5 घंटा आराम कर लेती हूँ जो है। तो आप लोग ज़रूर आइएगा, दर्शन करिएगा चित्रकूट रामघाट से। तो अब आप लोग समझ गए होंगे मैं कहाँ से हूँ, तो मैं बताना नहीं चाहती, आप लोग वो सीन देख कर के खुद ही जो है जान लिए होंगे जो है। तो चलिए ठीक है, और एक रिक्वेस्टेड वीडियो मेरे पास आई है, तो देखिए मुझे समय मिलेगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को उनकी कविताएं ज़रूर सुनाऊंगी, और आप लोग समझ गए होंगे कि किनकी कविता की बात मैं कर रही हूँ, और वो बहुत ही फेमस कवि हैं, तो मैं आपको सुनाऊंगी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा 2-3 पंक्ति याद है अभी, और ज़्यादा नहीं याद है, जब मैं याद कर लूँगी तो आप लोग को ज़रूर सुनाऊंगी। और वैसे भी मैं आप लोग को अपनी ब्लॉग के माध्यम से सिंगिंग और डांसिंग दोनों करती हूँ, पर पता है डांस करने में थोड़ा सा मेरी शरीर फैटी है ना, तो मुझे क्या होता है ना मेरी सांस फूलने लगती है, अजीब सी उलझन घबराहट होने लगती है, लेकिन हाँ करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि मैं करूँ, क्योंकि डांस एक इतना अच्छा एक्सरसाइज है कि पूरा मतलब फुल बॉडी में पूरा पसीना मतलब हो जाता है, और काफ़ी इसमें कैलोरी भी बर्न हो जाती है। तो एक्सरसाइज योगा तो नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन हाँ कभी कभी जब डांस करती हूँ
तो आप लोग को इंजॉय भी कराती हूँ सिंगिंग और डांस से जो है। और ये मेरी बचपन से हॉबी रही है, कोई आज की बात नहीं है। मैं बचपन से ही मतलब डांस में और सिंगिंग में काफ़ी तेज़ थी, काफ़ी एक्टिव लड़की थी बचपन से ही जो है। मुझे काफ़ी चुलबुली जिसको कहते हैं ना, वो चीज़ थी। अब तो काफ़ी बहर आ गया, पर बच्चे मेरे चिढ़ाते रहते हैं, तो चलिए ठीक है। और अब मेरे दोनों बच्चे भी, अब उनके स्कूल कॉलेज खुल गए हैं, तो बाहर जाने की तैयारी में है। तो थोड़ा इधर मैं रेगुलर वीडियो, अगर जैसे नहीं टाइम पर पहुंच जाता तो फिर आप लोग प्लीज़ सॉरी माफ़ करिएगा, लेकिन हाँ मैं कोशिश करूँगी आप तक अपनी वीडियो भेजने के लिए। तो चलिए ठीक है, अभी हम आराम करते हैं, फिर आपसे इवनिंग में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।